through NSS, we are trying to enhance the voting percentage in Gujarat. Our volunteers will definitely tell to their parents, their community members, their relatives, and in a maximum number they will come for voting so that the turnout will be more than the expectations. This is the aim of NSS, Election Commission of India, and all the educated people of Gujarat. हमारा कोशिश है कि जो मतदान है, जितने मतदार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं और अपने मतदान के अधिकार को साब्यस्त करें, और हमारे जितने एनएसएस की वॉलेंटियर्स हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सारे मिलकर यही कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात की वोटिंग परसेंटेज जितने भी हुए उससे बहुत ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनके परिवार वर्ग, इनके मित्र, इनके परिवार वर्ग, इनके समाज वाले सारे जाके वोटिंग करें, ये हमारा ध्येय है। धन्यवाद। पीजी स्कूल में सर, अभी इलेक्शन का माहौल है, एनएस राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस ने ये प्रोग्राम रखा है, यहाँ मणिनगर और पूर्व विस्तार की 30 स्कूल इस सब में शामिल है, इसमें सारे ही बच्चों ने वोट देने के लिए आह्वान किया है। वोट देने से सही उम्मीदवार आएगा तो गुजरात राज्य का अच्छा सा काम हो पाएगा, और सही उम्मीदवार के लिए 90% वोट देना जरूरी है। बड़े हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, जो लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं उनको बुला के उनसे वोट दिलाना चाहिए। वोट देने से ही अब सही उम्मीदवार आ पाएगा, सही श्रेष्ठ और शक्तिशाली युवा उम्मीदवार आने से गुजरात का राजकारण सही हो पाएगा। इसलिए वोट देना बहुत जरूरी है, वोट देना बहुत जरूरी है, वोट देना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको गर्व से वोट देना चाहिए। मतदान आपो ये सबनो अधिकार छे, अने सौए अधिकार नो उपयोग करी अने मतदान करवू जोईए। खास करीने बहनों जे घरनी बहार ओछी निकले छे अने वोटिंग ना दिवसे थोड़ी काळस करे छे, ए बधुं दूर करी अने अवश्य वोट आपो, सौ साथे मळीने वोट आपो अने सौ सारू काम करो, ए आपणो अधिकार छे, एनो उपयोग करवो ज जोईए। અમારા સાહેબ પેલી બાજુ ઉભા છે, વેરી ગુડ, बोलवा दे।